नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मिशन चंद्रयान के अपनी मंजिल पर न पहुंचने से इसरो के कंट्रोल रूम में शुक्रवार रात अचानक सन्नाटा पसर गया। इसरो चीफ सिवन ने रुआंसी गले से देश को बताया कि विक्रम का संपर्क टूट गया है। चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले विक्रम और प्रज्ञान गुम हो गए। इस दौरान वहां मौजूद पीएम मोदी ने टूट चुके इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले को बढ़ाया। उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो हिम्मत लेकर चलें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मोदी के इन शब्दों ने निराश वैज्ञानिकों का गम कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। शुक्रवार को रात चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले जब लैंडर विक्रम का संपर्क टूटा तो इसरो के कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। पीएम मोदी के पास आकर इसरो चीफ ने कुछ कहा और इसके बाद वो वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद पीएम मोदी ने टीम चंद्रयान को संबोधित कर निराशा के इन पलों में उनका हौसला बढ़ाया। मोदी ने कहा, जब मैं देख रहा था कि संपर्क टूट गया है, मैं देख रहा था कि आपके सारे चेहरे मुरझा गए, लेकिन ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। देश आप पर गर्व करता है, आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि आपने देश की बहुत उत्तम सेवा की है, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जाति की। इस परिणाम से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग हिम्मत के साथ चलें, आपके ही पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी मनाने लग जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं और इसलिए मां भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था, बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, For the last few hours, the entire nation was awake. We were awake in solidarity with our scientists who had embarked on one of the most ambitious missions of our space program. We came very close, but we will need to cover more ground in the times to come. Every Indian is filled with a spirit of pride as well as confidence. We are proud of our space program and scientists. Their hard work and determination has ensured a better life not only for our citizens but also for other nations. It is the outcome of their innovative zeal that several people have got access to a better quality of life, including better health care and education facilities. India is certain that there will be many more opportunities to be proud and rejoice. Thanks. At the same time, we are full of confidence that when it comes to our space program,
द बेस्ट इज येट टू कम। There are new frontiers to discover and new place to go. We will rise to the occasion and scale, never heights of success. To our scientists, I want to say, India is with you. You are exceptional professionals who have made an incredible contribution to national progress. You have given your best always and will give us several more opportunities to smile. True to your nature, you ventured into a place where no one had ever done before. आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। You came as close as you could. Stay steady and look ahead. I also salute the families of our space scientists.